ये जो चटनी इनकी है ना भाई साहब, ये बहुत ही जबरदस्त चटनी है, ये मिर्च वाली चटनी है। हाँ, हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फूडी फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन पे गोलगप्पे खिलाने आया हूँ। ऐसे तो मुझे आपने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए हुए हैं, भैया उसका खाओ, इसका खाओ, बट हुआ यूँ कि मैं इनके पास गोलगप्पे खाने आया था। मैं किसी काम से यहाँ पर आया था तो मैंने अचानक से इनके पास गोलगप्पे खाया, क्योंकि मैं गोलगप्पों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो इनके गोलगप्पे मुझे इतने बढ़िया लगे, मैं उसको क्या बताऊँ, मैं अपने अल्फाज में भी वो बयान नहीं कर पाऊँगा। तो आज मैं फिर इनके पास वो गोलगप्पे खाने आया हूँ। इवन ये चाट भी बनाते हैं, चाट वगैरह। हम ये चाट बनाते हैं ना, चाट वगैरह, गोलगप्पे, और ख़ासकर इनकी जो मैं एक चटनी, ये एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो चटनी इनकी है ना भाई साहब, ये बहुत ही ज़बरदस्त चटनी है, ये मिर्च वाली चटनी है। हाँ, और ये जो आलू इन्होंने बना कर रखे होते हैं, ये देखिए, आहा, मेरे तो देख के अभी मुँह में पानी आ रहा है। तो अब मैं बताऊँगा कि एग्जैक्टली जो उमा शंकर जी हैं, ये अपने कहाँ बैठते हैं जी। ये एरिया जो है, ये कहलाता है जी आपका तालाब तुल वाला एरिया। ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये जाता है रास्ता आपका कैनाल रोड के लिए, जीवल के लिए, और बिल्कुल इसके बैक साइड पे ये बेन नर्सिंग होम है। और जो ये रास्ता है जी, ये वाला, ये जा रहा है जी आपका रास्ता तालाब तिलो के लिए, बोड़ी के लिए। और ये है, अपने पीछे जाकर मुड़िए आप देख लीजिए, ये हैं उमा शंकर जी, जो कि मैंने एक हिडन जेम को फाइंड आउट किया हुआ है, जिनके गोलगप्पे मुझे बहुत अच्छे लगे। तो आइए करते हैं अब टेस्ट इनके गोलगप्पे। तो लो जी, आगे अपनी कटोरी, आप भैया से कहते हैं भैया लगाइए गोलगप्पे आप हमारे लिए। भाई बड़ा मज़ा आएगा खाने का, मेरे तो मुंह में अभी पानी आ रहा है। थोड़ा आगे आइए, मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे उमा जी, अपने उमा शंकर जी ने, मैं देख रहा हूँ इन्होंने सूजी वाले भी रखे हुए हैं। मुझे नहीं मालूम था भाई, मैं हमेशा जब भी आया हूँ तो अंधेरे में आया हूँ यहाँ पर। इन्होंने सूजी वाले गोलगप्पे भी रखे हुए हैं, इन्होंने आटे वाले भी रखे हुए हैं भाई। लेकिन इनका जो USP है वो है कि इनका जो मीठा और जो इनका जो पानी है, ये बहुत ही लाजवाब है। और ये मिर्च वाली चटनी बहुत ज़बरदस्त है। तो भैया लगा दो यार, पहले खाएंगे हम एक आटे वाला। ये बुरा इन्होंने उसमें मीठा ये आया जी, गोलगप्पा। करते हैं जी अब उसके टेस्ट। भाई सच में कह रहा हूँ, फिर वही टेस्ट आया जो आज से 6 दिन पहले मैं आया था, फिर वही टेस्ट आया। इनकी खास बात क्या है कि जो पानी है, ये बताते हैं नहीं कि इन्होंने मिलाया क्या इसमें, छुपा रहे हैं मुझसे, जो ये मीठा है और जो पानी जो कंबाइन होकर डालते हैं ना, ये भाई उससे टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो रहा है। अब मैं भैया को बोलूँगा, भैया एक डबल लगाने के लिए, डबल बोले तो गोलगप्पे में एक और गोलगप्पा भर के उसमें मिर्च वगैरह डाल के, आलू डाल के ये बना के खिलाएंगे मेरे को। आइए भैया, अब देखिए डबल कैसे बनाते हैं ये। गोलगप्पे को तोड़ के ये देखिए, ये डाल दिया एक और गोलगप्पा, ये पड़ा जी इसके अंदर आलू, ये पड़े जी इसके अंदर छोले, ये पड़ी जी इसमें लाल मिर्च, ये पड़ा जी मीठा। अब खुश होना चाहिए कि जब मिर्च, मीठा और खट्टा पानी जब मिक्स होगा तो भाई क्या टेस्ट आएगा यार, ये तो सोचने वाली बात है। लो जी आ गया मेरा डबल। हाँ, भाई जन्नत में नज़ारे हो गए। भाई मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरे कहने पे एक बार उमा शंकर के पास गोलगप्पे ज़रूर खाना, और प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसे लगे। अब मैं भैया को बोलूँगा भैया एक चाट बनाने के लिए, एक चाट भी खाएंगे। मैं बनाना चाट, बढ़िया बनाना, ताकि लोग, अब मेरी नाक नहीं कटाना जब बाहर लोग इधर आएंगे खाना खाने, ये सॉरी गोलगप्पे खाने, उनको वैसा ही खिलाना जैसे मेरे को खिलाया आपने, प्यार से। ये भैया बनाएंगे हमारे लिए चाट। आई थिंक ये चाट किसा सूजी का, सूजी वाले गोलगप्पे होगा। भैया ने पता नहीं किस गुफा में ये गोलगप्पे रखे हुए हैं, देख लीजिए। ये रहे वो गोलगप्पे वाकई में यार। अच्छा, सूजी के गोलगप्पों में ये भर रहे हैं जी, दो दो दाने छोले के। ये अभी इन्होंने आलू की स्टफिंग कर रहे हैं ये।
इवन पानी का रंग देखते हैं कि पानी का रंग देख लीजिए आप, हरे धनिए के फ्लेक्स ऊपर तैर रहे हैं, लेकिन भैया उमा जी नहीं बता रहे कि क्या मसाले डाले हैं जिससे इनका गोलगप्पा एकदम अलग मुझे लगा सबसे। ये क्या डाल रहे हो? नमक, क्योंकि भैया हर चीज़ पूछनी पड़ती है, क्या पता कौन जादू डाल रहे हैं ये। ये बड़ा जी चाट मसाला, तो अब क्या पड़ेगा? और दही, मुझे पता है कि हमारी बहनों को गोलगप्पे बहुत पसंद हैं और मेरी बहनें उमा शंकर के पास ज़रूर गोलगप्पे खाने आएंगी। तालाब दिलो, आप भी मुझे बताना कि आपके लोकेशंस पे कौन कौन बंदा मशहूर है जो गोलगप्पे बहुत शानदार बनाता है, बट अपनी ही लोकेशन में मशहूर है, बाकी और किसी को मालूम नहीं है, मुझे बताइए, मैं वहाँ पर आके उनको एक्सप्लोर ज़रूर करूँगा। क्योंकि ये तो मेरी खुद की एक्सप्लोरेशन है, ये खुद की मेरी रिकमेंडेशन है, इनको मैंने खुद फाइंड आउट किया हुआ है। मिट्टी डाल दें? सर डालो, बिल्कुल डालो, जैसे लाजवाब बने। लो जी भाई साहब, बन गई अपनी चाट। कोई नहीं, हाथ से खा लेंगे। तो अब करते हैं टेस्ट अपने चाट का। चलिए पहले चम्मच से खा लेते हैं, देखिए चम्मच से क्या टेस्ट आएगा। भाई मज़ा आ गया। तब मैं आपको अब इसमें क्या बताऊँ आपको कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है, इसका खट्टापन, मीठापन, जो मिर्च है, हरी मिर्च है, उसका तीखापन, सब कंबाइन हो रहा है। और अब वो देखिए आपको क्या टेस्ट देगा, वो खुद ही इमेजिन कीजिए आप। लेकिन सबसे बड़ा बात होती है पानी की, और उस गुड़ वाले जो मीठा बना हुआ है उसका, भाई वो दोनों शानदार है। मालूम नहीं क्या मिलाया हुआ है। भाई मज़ा आ गया। तो दोस्तों, ये थे उमा शंकर जी, जहाँ पर आज हमने गोलगप्पे खाए। मैंने तो अभी खाना हो रहा है, बस आपको केवल दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया था। मैंने तो अभी केवल एक ही खाया हुआ है, अभी तो मैंने गोलगप्पे और खाने हैं। दोस्तों अब बात आती प्राइस की। प्राइस जी, अगर आप खाते हैं चार गोलगप्पे, वो पड़ेंगे जी आपको 10 रुपये के। जैसे मैंने अभी डबल बना के खाया, वो पड़ेंगे जी आपको 10 के 2। और जो ये चार मैं खा रहा हूँ, ये जी 20 रुपये का। वो सस्ता रखा भाई ने, इतना महंगा भी नहीं है। बट टेस्ट जो है इनके गोलगप्पों का, वो लाखों से ऊपर है। तो आप यहाँ पर आके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरा नहीं इस लोकेशन पर। टिल देन, बाय बाय।